अमित राय के डायरेक्शन बनी OMG 2 कम स्क्रीन में रिलीज होने के बाद भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। आज इस मूवी को रिलीज हुए 7 दिन पूरी हो चुकी है। अभी तक इस मूवी ने इंडियन बॉक्स ऑफिस से 85 करोड़ की कलेक्शन की है और वर्ल्ड वाइड 120 करोड़ की कलेक्शन कर चुकी है। लोगों की राय OMG 2 मूवी को लेकर अलग अलग है। कोई इस मूवी को गदर 2 से अच्छी बताता है तो कोई खराब बताता है। दोस्तों बात करें IMDb की रेटिंग की, OMG 2 को 8.3 रेटिंग मिली है और गदर 2 को 6.4। पब्लिक OMG 2 को ज़्यादा पसंद कर रही गदर 2 से। गदर 2 ज़्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने के कारण बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई की है। इस मूवी ने 7 दिनों में 284 करोड़ की कलेक्शन की है और वर्ल्ड वाइड 369 करोड़ की कलेक्शन की है। दोस्तों OMG 2 सेक्स एजुकेशन को बयां करती है और इस मूवी में सेक्स एजुकेशन को स्कूल में पढ़ाए जाने की बात भी की गई है। मूवी में एक करेक्टर है कांति शरण मुदगल और उनका एक बेटा भी है। अपने बेटे की एडमिशन एक स्कूल में करते हैं। उनका बेटा नादानी की वजह से स्कूल में मास्टर बेट करते हुए पाया जाता है। लोग इसका वीडियो भी बना लेते हैं और वीडियो वायरल हो जाती है, इसके कारण बच्चे को स्कूल से निकाल देते हैं। कांति शरण मुदगल अपने बेटे की भविष्य खराब ना हो जाए इसको देखते हुए एक्शन लेते हैं और कोर्ट तक जाते हैं। कांति शरण मुदगल कहते हैं, मेरे बेटे को सेक्स एजुकेशन पर शिक्षा मिली होती तो ये ऐसी हरकतें नहीं करता। स्कूल को इसके लिए दोषी ठहराते हैं और यह केस कांति शरण मुदगल जीत जाते हैं और स्कूल डिपार्टमेंट अपनी गलती मानती है। तो फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉमेडी से भी भरपूर है।